या कथा अकेले वो घबराई हुई सी खाने की मेज पर बैठी थी। ये निर्णय लेने में उसको बहुत अधिक साहस की आवश्यकता पड़ी थी। उसने दरवाजे के पास रखे अपने बैग और अन्य यात्रा के सामान को देखा, लेकिन अब उसके दिमाग में दूसरे विचार तो आ रहे थे। घर के अन्य लोग तब भी सो रहे थे, वो उनके उठने की प्रतीक्षा कर रही थी। वो अपने बच्चों के बारे में सोचने लगी। उनके जन्म के समय से ही वो हमेशा ही अपने बच्चों के पास रही थी। उसने दीवार पर लटकी एक पारिवारिक तस्वीर को देखा। वो उठी और उस फोटो की तरफ गई। उसने अपने हाथों से उस तस्वीर को छुआ। उस समय उसके मन में भावनाओं का एक सैलाब सा था। उस तस्वीर में उसके बच्चे बर्फ से खेल रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। उनकी वो शिमला यात्रा बहुत ही मजेदार रही थी। वो एक एक करके दीवार पर लगी अन्य तस्वीरों को भी देखने लगी। वो उस अच्छे समय को याद करने लगी जिसको वो जी चुकी थी। फिर उसने अपनी शादी की तस्वीर को देखा। उसके पति ने उसका हाथ पकड़ रखा था और वो उसकी आंखों में देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो कितना मधुर क्षण था जिसको फोटोग्राफर ने उस तस्वीर में कैद कर दिया था। उन दिनों उसके पति उस पर कितने अधिक आश्रित होते थे। सुबह की चाय से लेकर कौन से कपड़े पहनने हैं, सभी कुछ तो वही किया करती थी। वो अब सोच रही थी कि उसके पति उसके बिना कैसे रह सकेंगे। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, उसकी यादों की श्रृंखला टूट गई। उसके पति अपने कमरे से बाहर आए। उन्होंने कहा, तो तुमने जाने का निर्णय ले ही लिया है? वो किसी तरह खुद को नियंत्रित करते हुए कहा, हाँ अब मैं जाऊंगी। उसके पति ने अखबार उठाया और बालकनी में जाकर बैठ गए। वो रसोई से उनके लिए चाय ले आई और चाय के कप को उनके सामने रख दिया। पति ने पूछा, तुम्हारी चाय कहाँ है? मैं लेकर आती हूँ, कहने के साथ ही वो फिर से रसोई की तरफ चल दी और कुछ ही देर में एक कप चाय अपने साथ लेकर आ गई। दोनों चुपचाप चाय पीने लगे, पर वो तब तक भी यही सोच रही थी कि क्या उसको चले जाना चाहिए था या नहीं। काफी देर के बाद उसने कुछ साहस संजोकर अपने पति की तरफ देखकर कहा, मैं जानती हूं कि आप मेरे इस निर्णय से खुश नहीं हैं, परंतु मुझे तो जाना ही होगा। मैंने अपने जीवन के इतने वर्ष आपको और अपने बच्चों को समर्पित किए हैं, पर अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूं। उसके पति ने अखबार से एक क्षण के लिए नजरें हटाकर उसको देखा। तभी बच्चों के कमरे का दरवाजा खुला। वो उठी और फिर से रसोई में चली गई। उसने सबके लिए नाश्ता बनाया। घर में संपूर्ण शांति थी। उसने अपनी घड़ी देखी, सुबह के 10 बज चुके थे। वो एक घंटे में घर से जाने वाली थी। वो अपने कमरे में गई और हरे रंग की सलवार कमीज निकाल कर पलंग पर रख दी और खुद नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। नहाते नहाते अपने पति और बच्चों के बारे में सोच सोच कर वो रोने लगी। लेकिन वो जानती थी कि उसके पति और उसके बच्चों को उसके बिना जीना सीखना होगा। वो जब नहाकर वापस कमरे में आई, पलंग पर उसके सलवार और कमीज नहीं थे। उनकी जगह एक गिफ्ट पैकेट रखा हुआ था। चकित होकर उसने जल्दी जल्दी उस उपहार के पैकेट को खोला। उस पैकेट में नई जींस की पैंट्स और एक टी शर्ट थी। साथ में एक छोटी सी चिट्ठी भी थी। मेरी प्यारी पत्नी, क्या तुम सोचती हो कि मैं तुमको इस नीरस सी हरी सलवार कमीज पहनकर जाने दूंगा? कृपया ये जींस और टी शर्ट पहन लो। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आए। उसने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और नए कपड़ों में बाहर आ गए। उसके पति और बच्चों ने उसको देखा। बच्चों ने तो अपनी माँ को देखकर सीटियाँ बजानी शुरू कर दी। उसके बेटे ने कहा, माँ आप तो बहुत ही शानदार दिख रही हैं। तभी उसकी बेटी ने कहा, आपके लिए तो शॉपिंग करना ही कितना कठिन हो गया है। आप जब घूम फिर कर वापिस आ जाओगी, आपको अपना वजन घटाना होगा। मैंने आपके सामान में एक और बैग रख दिया है, उसमें भी कपड़े हैं। माँ वही कपड़े पहनिएगा प्लीज़। उसने आगे बढ़कर अपनी बेटी को गले से लगा लिया। फिर उसकी आंखों से आंसू दिखने लगे। वो फिर अपने बेटे के पास गई।
बेटे ने कहा, मम्मी इतनी भावुक मत होइए, मैं आपको गले नहीं लगाऊंगा। उसने बेटे की एक नहीं सुनी और उसको कस कर अपनी बाहों में समेट लिया। फिर वो अपने पति के पास गई। तो ये सब योजना आपने बनाई थी? हाँ हाँ, आखिर क्यों ना हो। तुमने औरतों के ट्रिप में 10 दिन तक जाने का निर्णय लिया है हमारे बिना। मैं कैसे तुमको इतनी आसानी से कैसे जाने जा सकता था? उसके पति मुस्कुरा रहे थे। वो बोली, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं नहीं जाती। आप सब लोग कैसे करेंगे घर के सब काम? पति ने उसको अपनी बाहों में लेकर कहा, अब इतने पैसे व्यर्थ कर दे जो हमने इन कपड़ों पर खर्च किए, तुम पागल हो गई हो। जाओ और अपने दोस्तों के साथ खूब मजा करो। बाहर किसी कार का हॉर्न बजने लगा। पति ने कहा, तुम्हारी सहेलियां आ गई, बच्चों जाओ मम्मी का सामान कार में रख दो। वो बाहर जाकर कार में बैठ गई और आंसुओं के साथ सबको गुड बाय कहा। 50 साल की उम्र में वो उस यात्रा पर जा रही थी जिसकी उसने जीवन भर कल्पना ही की थी। कुछ ही देर में वो कार में बैठी अपनी ही उम्र की औरतों के साथ गीत गा रही थी। मित्रों, कभी कभी शादी के बाद पति पत्नी इतने व्यस्त हो जाते हैं, खासकर बच्चे हो जाने के बाद, कि उनके पास अपने लिए समय ही नहीं रहता है। दोनों पति और पत्नी अपनी कितनी ही ख्वाहिशों को मन में ही दबाकर रख लेते हैं। ये ठीक बात नहीं है। वैसा ही जीवन जिया कीजिए जैसा आप चाहते हैं। अभी भी देर नहीं हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया।